जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के अध्यक्ष और प्रधान न्यायाधीश डी के नागले और विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर सचिव नरेंद्र पटेल आज कसरावत न्यायालय पहुंचे, जहां कसरावत न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति विवेक जैन के साथ आगामी लोक अदालत की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इसके पश्चात कसरावत बार एसोसिएशन के साथ आगामी लोक अदालत को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण समझौते के माध्यम से हल कर लोगों को लोक अदालत की उपयोगिता को समझाए। साथ ही पिछली लोक अदालत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कसरावत बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरुण सोहनी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज बार में जिला न्यायाधीश महोदय पहुंचे थे और निश्चित लोक अदालत को लेकर संबंध में बैठक हुई थी, क्या विचार विमर्श हुए? आज लोक अदालत के लिए जिला जज साहब के बार में आए थे, बैठक हुई थी, विचार विमर्श के संबंध में। जैसा कि हर बार लोग लोक अदालत में जाने का संकल्प करते हैं, आज भी ऐसा संकल्प लिया गया। उन्होंने सब लोगों को मोटिवेट किया, अधिकतम लोक अदालत में आए गए तो हमने भी उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि हम इस विषय पर संपूर्ण प्रयास करेंगे और अधिकतम मामले लोक अदालत में। बाहर को सम्मानित भी किया, प्रमाण पत्र भी दिया गया, किस संबंध में था? यह जो है पिछली लोक अदालत अभिभाषक संघ कसरावत ने जो अपना लोक अदालत में उत्कृष्ट योगदान दिया, उसके लिए आदरणीय जिला जज साहब ने अभिभाषक संघ कसरावत प्रमाण पत्र दिया और इस बात की सराहना की है कि कसरावत बाग में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। ऐसे ही इस लोक अदालत आश्वासन और हमने आश्वासन दिया। सर, जिस तरीके से लगातार लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है, क्या लोगों का रुझान इस ओर बढ़ता दिखाई देता है? देखिए, अगले महीने 12 तारीख को शनिवार के दिन नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में हो रहा है और इसी तारतम्य में हम लोग कसरावत आए थे। कसरावत न्यायालय में भी लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। यहाँ जजेस और अधिवक्तागण से बातचीत की है, संबंध में रूपरेखा बनाई है। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में राजीनामा होने की संभावना बनेगी और चूँकि ये क्या है, इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है और कुछ हमारे प्रावधान जैसे आपराधिक मामलों में, लड़ाई झगड़े वाले मामले में, उसमें थोड़ा कंपाउंडिंग की स्थिति बन रही है, तो अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा होगा। और अब देखिए, राजीनामा होता है तो निश्चित रूप से समाज को और व्यक्ति को इसका फायदा होता है, विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सिविल मामलों में भी अगर लोक अदालत में राजीनामा होता है तो यहाँ फायदा यह है कि पक्षकारों को फी उसकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है और दूसरी बात यह है ये इसकी कोई अपील नहीं होती और इसलिए यहाँ विवाद यहीं समाप्त हो जाता है, समाज जो है अपना विवाद विहीन बनता है, तरक्की करता है। निश्चित रूप से लोक अदालत का बहुत फायदा है और अधिक से अधिक लोग इसका लोक अदालत में आकर अपना प्रकरण का निराकरण आपसी राजीनामा सहमति से कराना चाहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।